और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता सरताज सिंह का गुरुवार को 83 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने भोपाल में अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे। आपको बता दें कि वह 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे। वहीं सरताज सिंह को लोग बाबूजी के नाम से पहचानते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी परंपरागत सीट सिवनी मालवा से टिकट न मिलने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर नर्मदापुरम सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन अपने शिष्य और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा से उन्हें हार मिली थी। बाद में उन्होंने फिर कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था और सरताज सिंह के निधन पर सीएम शिवराज सिंह ने दुख जताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, मेरी सरकार में भी मंत्री रहे पीडब्ल्यूडी, श्रद्धेय सरताज सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। सरताज जी इटारसी और नर्मदापुरम जिले में जिन्होंने जनसंघ के काम के विस्तार में अतुलनीय भूमिका निभाई। मैं पहली बार अगर कोई चुनाव प्रचार करने भोपाल के बाहर गया तो इटारसी के नगर पालिका के चुनाव में गया था, जिसमें सरताज जी हमारे नेता थे। बहुत समर्पित, कर्मठ, परिश्रमी नेता थे। जनता के दिलों पे वो राज करते थे। 5 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य के नाते भी उन्होंने प्रदेश के विकास में पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया। ऐसे कर्मठ, समाज से भी लोकप्रिय जननेता आदरणीय सरताज सिंह जी के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को, उनके कार्यकर्ता साथी हमारे जो है उनको, अन्यायियों को,